तो स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर स्टडी पॉइंट में। मैं कुणाल सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या है कि हम लोग पढ़े थे एक बार सिलोलिज्म हम लोग पिछले वाले पार्ट में पढ़े थे क्या कि उसमें आपका क्या था कि टोटल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया था। बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है आपका कि SSC रेलवे बैंक का जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने उन सारी चीज़ों को इसके पहले वाले पार्ट में जो है कंडीशन ऑफ फिदर और भी क्लियर किया था मैंने, फिर आपका पॉसिबिलिटी भी क्लियर करूँगा और फिर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी, सारा का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो आजकल ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछ रहे हैं कॉन्सेप्ट सिलोलिज्म के, जैसे आपका ओनली हो गया, ओनली ए फ्यू हो गया, ओनली फ्यू हो गया, आपका दो तीन चीज जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब तक हम लोग का पुराना वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग नए वाले को समझ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले पुराना वाला जाकर वीडियो देख लो, फिर आ जाओ इस वीडियो पे और हम लोग इस वीडियो पे पूरे अच्छे तरीके से मज़े करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम आज दो तीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। ठीक है, दो तीन कॉन्सेप्ट में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका ओनली ओनली ए फ्यू या फिर ओनली फ्यू में डिफरेंसेस किस चीज़ का है और सेम कौन कौन सा चीज़ है आपका। सबसे पहले क्या है, मेरा ये ओनली वाला आ रहा है। ठीक है, दूसरा मेरा लिखे हैं क्या कि ओनली फ्यू आएगा और तीसरा मेरा क्या लिखे हैं ओनली ए फ्यू आएगा। आपको हम बता देना चाह रहे हैं कि तीनों में डिफरेंसेज होता है, तीनों में क्या होता है आपका डिफरेंसेज होता है। डिफरेंसेज इस चीज़ में होता है आपका कि ओनली जो है वो ओनली फ्यू या ओनली ए फ्यू के बराबर नहीं है। कन्फर्म आ रहा है समझ में कि आपका ओनली जो है वो आपका ओनली फ्यू या ओनली ए फ्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है कि ओनली का मतलब हम लोग यहाँ पहले देख लेते हैं। यहाँ ओनली ओनली का मतलब क्या होता है, यहाँ या तो यहाँ पे सिर्फ होगा या फिर यहाँ पे आपका केवल होने वाला है। ठीक है, या तो आपका सिर्फ होगा या फिर आपका केवल होने वाला है, आया समझ में। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही इसका क्वेश्चन आता है तो हम लोग हर जगह पढ़े होंगे आपका कि ओनली ए आर बी लिखा गया या फिर ओनली बी आर ए लिखा गया, तो हम लोग ऑल के केस में मान लेते हैं। कुछ लोगों का कहना क्या है कि आपका कि अगर ओनली का केस आ रहा है आप में तो आप उसको ऑल के फिगर पे बनाओ, आपसे बन जाएगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट उल्टा कर दो। ठीक है, लेकिन उसके साथ एक और कुछ नया कॉन्सेप्ट है जो आज हम आप लोग को बताने वाले, एकदम कन्फर्म, एकदम बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, निश्चिंत रहिए और वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, तो ये ओनली का मतलब होता है सिर्फ और ये केवल। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस में अगर लिखा जाएगा ओनली ए आर बी लिखा जाएगा तो हम लोग इसको क्या करते हैं ओनली बी आर ए कर देते हैं। ये बेसिकली हम लोग जानते हैं और ये सही भी है, नो डाउट यही होना भी चाहिए। बस इतना ही आज तक हम लोगों ने जाना कि अगर ओनली ए इज बी है तो इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट और प्रेडिकेट आपका क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए मतलब जो पहले आया है वो सब्जेक्ट, बाद में आया प्रेडिकेट या फिर ऑब्जेक्ट बोलो, दोनों बात बराबर है। तो सब्जेक्ट आपका प्रेडिकेट और प्रेडिकेट आपका क्या हो रहा है, आपका सब्जेक्ट हो रहा है। लेकिन एक बात थोड़ा सा और, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल आपका ये है कि अगर क्वेश्चंस में लिखा जाए कि बीजेपी में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं, ठीक है, बीजेपी में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं, आ रहा है समझ में, कि बीजेपी में केवल नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं, मतलब दिखने वाली चीज बीजेपी में है क्या, नरेंद्र मोदी, उसके अलावा ना हमको राहुल गांधी के बारे में पता है ना हमको अमित शाह के बारे में पता है। मैं इन लोगों की बुराई नहीं कर रहा, बेसिकली मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी के बारे में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बीजेपी में केवल दिख कौन रहे हैं, नरेंद्र मोदी, है ना। तो बीजेपी में नरेंद्र मोदी दिखते हैं तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी दिखते कहाँ हैं, तो बीजेपी में, कन्फर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, बस केवल अगर उसके नरेंद्र मोदी के अलावा हमको कोई भी बात पता नहीं या किसी भी और लीडर का मैंने चर्चा नहीं किया, मैंने सिर्फ और केवल चर्चा किया है आपका नरेंद्र मोदी का, उसके अलावा कोई भी हमको लीडर दिख नहीं रहे वहाँ पे, तो हम लोग इसका फिगर क्या करेंगे, इसका फिगर हम लोग ऐसे बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। ठीक है, ऑल बी आर ए का हम लोग फिगर बना लेंगे। इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ लिखा रहेगा केवल या सिर्फ ए बी है। ठीक है, केवल या सिर्फ ए बी है, मतलब सभी बी क्या है आपका, ए है। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में अगर बोलेगा यहाँ पे
अगर कंक्लूजन आपका बोलता है कि कुछ भी सी है, तो अगर तीसरा पर्सन का चर्चा आए, या फिर सी हो या फिर डी हो या फिर एक्सेट्रा कुछ भी हो आपका, तो वो हमेशा आपका क्या गलत होने वाला है। क्यों? हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बी जो है वो केवल ए का है, बी जो है वो केवल ए का है और किसी का नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी जो है केवल बीजेपी के हैं, तीसरा उसमें कोई आ नहीं सकता। कंफर्म आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। मतलब बोलेगा क्वेश्चंस में क्या कि सम सी इज बी या सम डी इज बी बोलेगा, तो उसका कंक्लूजन जो होगा वो बेसिकली हमेशा जो एकदम डेफिनेट गलत होगा। वो कंफर्म आ रहा है समझ में? क्योंकि तीसरे लोगों का चर्चा इस बी वाले में कभी होना ही नहीं है, क्योंकि सारा बी जो है आपका ए के अंदर इंक्लूड है, और बी जो है केवल और केवल सिर्फ आपका ए का है और किसी का होने वाला नहीं। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपका क्या है कि ओनली वाला प्रॉब्लम जो है अब आपका दूर हो गया, इसमें किसी प्रकार का आपका प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसमें फिर से हम लोग बेसिक चीज़ों पे आ जाएंगे, जैसे सम ए इज़ बी बोलेगा तो मेरा सही हो जाएगा, सम बी इज़ ए बोलेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलो इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये ओनली फ्यू या ओनली ए फ्यू जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे क्या कि आपका, इसको डिलीट कर देते हैं ओनली वाले को, क्योंकि ये तो बता चुके हैं। यहाँ पे आएंगे। अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस में, ये ऑल का मतलब क्या होता है? हम लोग सब जानते हैं ये ऑल का मतलब सभी होता है। ये ऑल का मतलब क्या होता है? सभी होता है, ये सब लोगों को पता है। लेकिन आजकल एग्जाम्स में आपका क्या कर रहा है कि ऑल के बदले आपका कुछ ऐसे चीज़ों को ला रहा है जो हमको पता नहीं है। जैसे क्या? जैसे देख लो यहाँ पे, जैसे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे बोलेगा एलोन, दूसरा बोलेगा इच, तीसरा बोलेगा एवरी, ठीक है, चौथा बोलता है आपका 100%। मतलब अगर कोई भी चीज़ आपका, कोई भी चीज़ आपका 100% है तो आपका ऑल वाले में काउंट होगा। ये बिल्कुल श्योर रहिएगा कि कोई भी चीज़ अगर आपका 100% है तो वो क्या होगा, ऑल वाले में होगा, ठीक है। और ये पांचवा, अगर पांचवा देखें तो ये आता है आपका ऑलवेज। ऑलवेज ए इज बी बोले तो फिर भी आपका क्या हो रहा है, वही हो रहा है। या फिर आप ओनली भी ले सकते हैं, जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है कि ओनली का मतलब क्या होता है, तो आप लोग ये ओनली भी ले सकते हैं। मतलब इन सारे चीज़ों का यूज हमेशा कहाँ होगा, ध्यान रखना कि इन सारे चीज़ों का यूज हमेशा होने वाला है, पता है कहाँ, ऑल में यूज होने वाला, मतलब सभी वाले केस में यूज होने वाला है। बोलेगा क्या ऑल के बदले में कि एलोन ए इज बी, अकेला ए बी है, मतलब फिगर किसका बनेगा, ऑल ए इज बी का, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर ईच ए इज बी बोले, मतलब प्रत्येक हर एक जो भी बोले आपका, ईच एंड एवरी करके बोले, उस सारे चीजों में आपका ऑल का फिगर बनने वाला है। किसी प्रकार का प्रॉब्लम वहां क्रिएट नहीं कीजिएगा, एकदम क्रिस्टल के जैसा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। फिर आपका बोला क्या कि 100% ए बी है, मतलब सारा जो है आपका ए का जो 100% है वो आपके बी के अंदर क्या है, इंक्लूड है। कहने का मतलब है कि सभी ए जो है आपका वो आपका बी है। आ रहा है समझ में? किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर आपका क्या है कि ऑलवेज, मतलब हमेशा आपका ए बी है। कहने का मतलब है कि सभी आपका ए बी है, ये वाला भी फिगर इसमें ऑल में जाएगा, नो डाउट। ओनली के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया नरेंद्र मोदी और बीजेपी का एग्जांपल देकर, ठीक है, आया होगा समझ में, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब दूसरा क्या है मेरा कि दूसरा हम लोग लेते हैं यहाँ पे सम का फिगर लेते हैं। ये सम मिस होता क्या है, कुछ होता है, ठीक है, ये सम मिस होता है, कुछ होगा आपका। तो हम लोग इसको किस किस चीज़ से डिनोट करेंगे कि आपका सम का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो बोला जाएगा क्या, ए फ्यू या फिर फ्यू, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखो ए फ्यू और फ्यू में किस चीज़ का डिफरेंस है, ये देखो। अब कहने का मतलब है कि मेरे पास 100% कोई भी चीज़ है, मेरे पास 100% कोई भी चीज़ है, ये आप लोग मान लो, ठीक है। ए फ्यू का मतलब है कि एक उसका कोई पार्टिकुलर भाग, जैसे कि 10% हो गया, 12% हो गया, एक उसका कोई पार्टिकुलर भाग होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। फ्यू का मतलब उसका कोई परसेंटेज फिक्स नहीं, लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है, समी होता है। इसमें कोई भी आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट या दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन मत रखना यहाँ पे कि ए फ्यू और फ्यू में किसी चीज़ का डिफरेंस होता है, दोनों आपका बराबर होता है। मैंने आप लोगों को दोनों का मीनिंग बता दिया कि मीनिंग आपका होता क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका आप लोगों ने सुना होगा एट लीस्ट।
एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम का मतलब ही होता है कुछ आपका, कम से कम का क्या होता है कुछ आपका मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है मिनिमम, ये आपका मिनिमम आएगा, फिर आपका मैक्सिमम आएगा, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम करके दिया रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या आता है ऑलमोस्ट करके देगा आपको, क्या करेगा ऑलमोस्ट करके देगा, फिर आपका एटमोस्ट करके देगा, ठीक है। फिर आपका क्या देगा जनरली देगा, यहाँ पे जनरली देगा, ठीक है। फिर आपका आठवां, अब देखो आठवां वाला आपका क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना आठवां वाला यहाँ पे क्या है आपका। आठवां वाला मतलब लेस देन 100%, लेस देन 100%, मतलब अगर 100% से अगर कम हो कोई भी चीज़, जैसे 99.9% आदमी पागल हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है आपका, पूरा नहीं, पूरा नहीं मतलब वो सम के केस में आ जाएगा, जैसे ही 100% से थोड़ा सा भी कम होगा आपका वो सम के केस में आ जाएगा। और ये जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो का मतलब हो जाता है नो, समझ में आ रहा है। 0% से अगर 1% भी बोले फिर भी सम में आ रहा है आपका, 10% भी बोले फिर भी सम में आ रहा है आपका, 15% भी बोले फिर भी आपका सम में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि 20 बोले, 50 बोले, 70, 67, 66, 61, 62, 65, 75, 85, 90, 95, जो भी आपका बोले 100 से कम होना चाहिए और 0 से ऊपर होना चाहिए, वो सारा चीज़ जो है आपका वो क्या है कि सम के कैटेगरी में आएगा, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका सम के कैटेगरी में आने वाला है, ठीक है। अब देखो क्या है नेक्स्ट वाला, यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला, तो ये हो गया, या फिर लिटिल करके भी दे सकता है, लिटिल ए इज बी, लिटिल ए इज बी कर देगा, फिर भी आपका बात क्या है बराबर हो जाएगा, उसमें भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज क्या है यहाँ पे कि ओनली फ्यू या फिर ओनली ए फ्यू, ये जो कि आपका नया है, लेटेस्ट वर्जन है, है ना, लेटेस्ट वर्जन है आपका, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ओनली फ्यू या फिर ओनली ए फ्यू जो है आपका, दोनों बात बराबर है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आ जाता है आपका, ये मैनी और ये मोर करके, मैनी मोर भी आएगा आपका, तो वो भी आपका क्या होने वाला है, वो भी आपका सम के केस से क्या होने वाला है, रिलेटेड होने वाला है, या फिर आपका, या फिर आपका वेरी फ्यू करेगा, या फिर आपका क्या करेगा वेरी फ्यू करेगा, फिर भी आपका बात बराबर है, मतलब सारे केस में जो है आपका, सारा केस में आज जो है आपका वो क्या होने वाला है आपका, सम का फिगर बनेगा, सम का ही फिगर बनेगा और किसी चीज़ का फिगर बनने वाला नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ओनली फ्यू या ओनली ए फ्यू के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट है जो इसका नया है, जो शायद समझने में आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा या फिर परेशानी होता होगा, तो उस चीज़ों को हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस में, यहाँ हम एक और चीज़ छोड़ दे रहे हैं, जैसे कि तीसरा आपका आ जाता है नो, तो नो के बारे में पता होना चाहिए कि नो जो है आपका एग्ज़ाम्स में आजकल काफ़ी कम कर दिया, मेरे हिसाब से एग्ज़ाम्स में काफ़ी कम कर दिया है, इस नो के बदले आपका या तो ऑल नॉट ला रहा है, ठीक है। ये नो का मतलब तो नहीं होता, ये सब लोगों को पता है। एक और चीज़ होता क्या है कि कोई नहीं, ये एक और चीज़ होता है कोई नहीं, या फिर सभी नहीं होता है। अगर आप लोग के पास टाइम है, वीडियो देख रहे हो, तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा पॉज करके आप लोग क्या करो, इस सारे चीज़ों को नोट डाउन कर लो, इन सारे चीज़ों को नोट कर लो, जो बाद में अच्छा लगे पढ़ने में, समझ में आए, और साथ में आपका क्वेश्चंस भी क्या हो बनता चला जाए, तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप इसको समझोगे, ठीक है। तो ये पहला इसका हो सकता है नन हो सकता है, दूसरा हो सकता है नॉट ए सिंगल, जैसे नॉट ए सिंगल ए इज बी बोलेगा, मतलब कोई एक सिंगल जो है ए आपका बी नहीं है, कंफर्म, मतलब ए और बी का आपका रिलेशन नहीं है। तो ये दो तीन चीज़ है आपका, इस इन सब चीज़ों में आपका क्या हो रहा है नो या फिर ऑल नॉट या फिर नन, नॉट ए सिंगल करके यूज होगा। तो ये आप लोगों ने समझ लिया फिर से कि ऑल को एलोन, ईच, एवरी, 100%, ऑलवेज, ओनली कहते हैं, या फिर सम के केस में ए फ्यू, फ्यू, एटलीस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, ऑलमोस्ट,
एट मोस्ट जनरली लेस देन 100% भी, मैंने आपको समझाया अच्छे से, लिटिल कहते हैं या फिर ओनली फ्यू, ओनली ए फ्यू। ये नया वाला पैटर्न मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर आपका क्या है कि मेनी मोर करके है, फिर आपका वेरी फ्यू है। इन सारे चीज़ों का उपयोग हम लोग क्या करेंगे, सम के केस में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन मुद्दे पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के वीडियो में, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को डिलीट कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ लिखेंगे ओनली फ्यू एंड ओनली ए फ्यू करके लिखेंगे। चलिए अब देखो क्या है क्वेश्चन में, यहाँ हम लोग आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ओनली फ्यू या ओनली ए फ्यू, इस दोनों का मतलब ही होता है सम। इस दोनों का मतलब क्या होता है, सम। अभी जस्ट बताया है कि सम मींस क्या होता है, कुछ, है ना। इसके बदले भी बहुत सारा मैंने वर्ड भी वहाँ पे जिक्र किया है। तो ये ओनली ए फ्यू या ओनली फ्यू का मतलब आपका क्या होता है, सम होता है, है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस में कि ओनली ए फ्यू ए आर बी अगर लिखा रहे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं कि ओनली ए फ्यू ए आर बी लिखा रहे यहाँ पे, ठीक है। ओनली ए फ्यू ए आर बी लिखा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़, इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब ये ओनली फ्यू ए आर बी करके मैंने लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि कुछ यहाँ पे आपका कंक्लूजन लिख रहा हूँ। ये स्टेटमेंट है बेसिकली, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन आपका क्या है, सम ए आर बी, दूसरा क्या है, सम बी आर ए, तीसरा क्या है, ऑल ए आर बी, चौथा क्या है आपका, ऑल ए कैन बी बी, ठीक है। पांचवा क्या है, ऑल बी कैन बी ए। सिक्स्थ है आपका सम ए आर नॉट बी, ठीक है। सेवेंथ है आपका सम बी आर नॉट ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सम का फिगर बना लेंगे। अब हम लोग सम का फिगर क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखना इस इन सारे चीज़ों को कि कैसे अरेंज किया गया है। देखो यहाँ बोला क्या, ओनली, केवल, कुछ ए बी हैं, ठीक है, केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ए बी हैं। कहने का मतलब है कि केवल कुछ ही जो ए है वो आपका बी में है, मतलब कुछ डेफिनेट नहीं है। आ रहा है समझ में कि आपका, कि कुछ ही ए जो है वो आपका बी है। अब थोड़ा सोचो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे तो हैं 100 से ज़्यादा ही, लेकिन मैं 100 काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है कि 100 स्टूडेंट्स। अब मान लो क्या कि 100 स्टूडेंट्स में से ओनली 50 स्टूडेंट्स जो हैं, ओनली 50 स्टूडेंट्स वो पीओ हैं, कन्फर्म। ये बताया गया क्वेश्चंस में, ये मेरा कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कि मान लो मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है जो मैंने पढ़ाया है, वो वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स अवेलेबल है। अब 100 में क्या है कि ओनली 50 स्टूडेंट्स आर पीओ, कहने का मतलब 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ पीओ हैं। अब 50 के अलावा जो मेरे पास 50 बच रहे हैं, वो मेरे को नहीं पता वो कौन सा चीज़ है, वो कलर के भी हो सकते, कुछ भी हो सकते, लेकिन उनके बारे में नहीं पता। लेकिन जितना मेरा पीओ का कैटेगरी था वो मैंने क्या किया, अलग वहाँ पे एडजस्ट कर दिया कि ओनली 50 स्टूडेंट्स आर पीओ, मतलब केवल आपके 50 लोग जो हैं वो क्या है, पीओ है। ये तो हम लोग कह सकते हैं ना कि 50 जो बचे हैं वो पीओ नहीं,
ये तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका 50 बच्चे हैं और स्टूडेंट्स वो तो पीओ नहीं है, मतलब मेरे पास 50 ही स्टूडेंट्स पीओ हैं, जो मेरे 50 बच्चे हैं स्टूडेंट्स वो पीओ नहीं है क्योंकि सारे पीओ को मैंने क्या कर लिया, एक जगह इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब एक बात और थोड़ा ध्यान से देखना कि मेरे 100 में से 50 स्टूडेंट्स पीओ हैं तो हमने इसमें क्या किया, ओनली फ्यू लगाया या ओनली ए फ्यू लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन जितने भी मेरे पीओ हैं वो तो 50 ही स्टूडेंट्स हैं मेरे, 100 तो नहीं होंगे ना, जितने भी मेरे पीओ हैं, मेरे सारे जो पीओ हैं वो मेरे 50 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मेरे 100 में से 50 हैं वो मेरे पीओ हैं। कहने का मतलब समझना, कहने का मतलब ये है कि मेरे 100 में से 50% पीओ हैं, लेकिन ये 100% जो पीओ का है वो आपका सारा मेरा 50 स्टूडेंट्स। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे लिखा फिगर में जो दिखेगा वो मेरा सही है अकॉर्डिंग टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोजिस्म, है ना, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, नहीं अगर देखे हो तो आप लोग जाकर देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आप लोगों का, यहाँ पे आपका सम ए आर बी, तो ये बिल्कुल सही है कि मेरे को दिख रहा है कि सम ए आर बी यहाँ पे क्या किया गया है, दिया गया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, मतलब यहाँ पे सम ए आर बी मेरा दिया गया है। जैसे ही सम ए आर बी होगा तो मेरा सम बी आर ए भी मेरा सही होने वाला है, विद द हेल्प ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, आई होप कि समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। सम ए आर बी है तो सम बी आर ए तो पक्का यहाँ पे दिया होगा। दूसरा क्या है यहाँ पे कि ऑल ए आर बी, यहाँ पे दूसरा क्या है कि ऑल ए आर बी, अब देखो फिगर में पहले ही बता चुका कि 100 में से 50 ही मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पीओ हैं, 100 तो नहीं हो सकते ना, कहने का मतलब है कि मेरा जो कुछ ए वाला पार्ट है वही आपका बी है, बाकी बात पार्ट के बारे में मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता है कि वो है या नहीं है, लेकिन जितने भी आपके 100 में से 50 पीओ थे मैंने उनको अलग कर लिया कि मेरे 50 पीओ हैं, 50 के बाद मेरे को नहीं पता कितने पीओ हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल एयर बी कहना मेरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ रहा है समझ में, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्या है कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी या फिर अभी मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना होता है, जिस कंक्लूजन में संभावना लिखा रहे वही संभावना का क्वेश्चन है, या फिर आपका या तो कैन बी लिखा रहे या मे बी लिखा रहे, है ना, या फिर हिंदी वाले में संभावना लिखा रहे, संभावना नहीं तो सकता सकती लिखा रहे, इंग्लिश वाले में पॉसिबिलिटी लिखा रहे, अगर पॉसिबिलिटी नहीं तो फिर कैन बी मे बी लिखा रहे, तो हमेशा वो संभावना वाला क्वेश्चन होगा। तो वही बात यहाँ है कि ऑल ए कैन बी बी हो सकता है या फिर ऑल इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी, मेरा दोनों बात बराबर है, मेरा दोनों बात क्या है, मेरा दोनों बात बराबर है, तो ऑल ए कैन बी या फिर ऑल ए इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी, मेरा दोनों हो सकता है। अब देखो क्या है कि यहां पे बोला क्या कि सभी ए के बी होने की संभावना है, थर्ड वाला कंक्लूजन में, ये आपका फोर्थ वाला में क्या बोल रहा है कंक्लूजन में, फोर्थ वाला कंक्लूजन ध्यान से देखिएगा कि सभी ए के बी होने की संभावना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, याद रखना बेटा यहां पे कि अगर यहां पे 100 स्टूडेंट है तो मेरे 50 ही है ना, 100 तो पीओ नहीं है ना, लेकिन यहां बोल रहा है कि मेरे 100 स्टूडेंट के पीओ होने की संभावना है, तो ये कभी पॉसिबल है क्या, ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो मेरा 100 स्टूडेंट का पीओ होना संभावना नहीं, क्योंकि मेरा 50 ही स्टूडेंट्स ओनली लगाया है, सिर्फ लगाया है, केवल के बारे में बोला है, है ना, मतलब बोला क्या थोड़ी देर पहले हम आपको ये भी बताए थे कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी में दिखते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी ही बीजेपी में दिखते हैं, अगर हम बोलेंगे कि इंडिया के सारे लीडर बीजेपी में दिखते हैं तो ये हमको पता नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में बात किए हैं, सिर्फ और सिर्फ हम 50 स्टूडेंट्स के बारे में बात किए हैं जो मेरा पीओ है, लेकिन 100 स्टूडेंट्स के पीओ होने की संभावना, ये तो बिल्कुल गलत है भैया, ये बिल्कुल क्या है, गलत है कि 100 स्टूडेंट्स कभी भी पीओ नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने देख लिया कि 50 स्टूडेंट्स ही मेरे क्या है, पीओ है, तो ये जो है ये आपका गलत हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। दूसरा क्या है कि ऑल बी कैन बी ए, मतलब सभी बी के ए होने की संभावना या सभी बी ए हो सकता है, ऐसा बताया गया, कहने का मतलब है कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑल बीज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, सभी बी के ए होने की संभावना है, तो ऑल बी कैन बी ए यहाँ बोला है, तो सिंपल सोचो कि मेरे पास 100 में से 50 स्टूडेंट्स पीओ है, लेकिन सभी पीओ जो वो तो मेरे 50 स्टूडेंट है, इस पीओ वाले में तो सम नहीं लगा हुआ है ना, तो कहने का मतलब है कि मेरे 50 स्टूडेंट्स पीओ हैं, तो सारे पीओ मेरे 50 ही स्टूडेंट्स होंगे, वो 100 तो नहीं होने वाले हैं, तो वही बात बोला है कि ए का
केवल कुछ पार्ट बी है लेकिन बी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो बी का सारा पार्ट तो ए में जा सकता है ना। इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी कि ऑल बी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है हमेशा याद रखिएगा, लेकिन सभी ए आपका बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए का कुछ ही पार्ट आपका बी में इंक्लूड है। आया समझ में कि ए का कुछ ही पार्ट आपका बी में इंक्लूड है लेकिन बी का सारा पार्ट आपका ए हो सकता है, कंफर्म? किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा। फिर सिक्स वाला क्या है यहाँ पे सिक्स वाला बोला क्या कि सम ए आर नॉट बी। एक सिंपल ध्यान दो मेरे यहाँ पे कि मेरे 100 में से 50 स्टूडेंट्स मेरे पीओ हैं तो 50 पीओ नहीं है, कंफर्म? अगर मेरे 100 में से 50 स्टूडेंट्स मेरे पीओ हैं तो 50 पीओ नहीं है, मतलब सम ए आर नॉट बी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ ए वाला पार्ट आपका बी है तो कुछ नहीं है, क्योंकि ओनली लगाया, डेफिनेटली लगाया, क्योंकि कुछ ही आपका ए वाला पार्ट बी है तो कुछ ए वाला पार्ट आपका बी नहीं है, ये कन्फर्म डेफिनेट है। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा और समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। चलो फिर दूसरा लिखा है कि सम बी आर नॉट ए। अब ऐसा तो नहीं ना बोला गया कि ओनली ए फ्यू बी आर ए, नहीं ना, तो ये आपका कुछ बी वाला पार्ट ए है ये तो हमको पता नहीं, ये तो डाउटफुल है मेरा। तो डाउटफुल वाला मेरा क्या होता है हमेशा गलत होगा। तो बेटा समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा देखो, फिर से बैक करके देखो तो फिर से समझ में आएगा आपको। अब हम लोग क्या करते हैं कि इतना तो इसमें तो खत्म हो गया, आप लोग क्या करो इसको नोट डाउन कर लो, नोट कर लो कि ऐसा ऐसा होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की, और नेक्स्ट वाला जो मेरा क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल लेंगे, और आपके एग्जाम्पल जो मेरा एग्जाम्पल होगा, जो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा यहाँ पे आपका, उससे क्या है कि टोटल आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कहीं भी जाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस वन एंड ओनली इस वीडियो को देखोगे, सारा ओनली ए फ्यू वाला प्रॉब्लम जो है आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल मैं ये लिखूंगा, आप लोग भी नोट करना, नोट करने से ये होगा कि जब तक मैं लिखूंगा आप लोग बताओगे या फिर बनाओगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है आपका। चलो तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक आपका यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट है आपका क्या, ओनली ए फ्यू बैट आर बॉल, ठीक है। दूसरा क्या है, ए फ्यू बॉल आर कैप, ठीक है। तीसरा क्या है, इच कैप इज डॉग, ये हो गया आपका। अब क्या है, इसके हिसाब से हम लोग बहुत सारा कंक्लूजन लिखेंगे जिस पे आपका सारा कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, किसी भी प्रकार का आपको उसमें प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो पहला वाला मेरा यहाँ पे क्या है, पहला वाला सम बैट आर नॉट बॉल, सम बैट आर नॉट बॉल। दूसरा क्या है, सम बॉल आर नॉट बैट, All bat can be ball। चौथा है, All bat can never be ball, ठीक है। पांचवा है आपका, All bat can be ball, ठीक है। सिक्स है आपका, All ball can never be bat। सेवन है आपका, All ball
कैन बी बैट. एट है आपका ऑल डॉग कैन बी मैट. इसको लिखिए और देखिए कैसे बनेगा ये. ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे. अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके हिसाब से हम लोग फिगर बनाएंगे और फिगर पे देखेंगे कि कौन सा आपका सही हो रहा है और कौन सा आपका गलत हो रहा है. अब फिगर यहाँ बनाएंगे, ओनली ए फ्यू बैट आर बॉल, ओनली ए फ्यू बैट, ओनली ए फ्यू बैट. ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये बैट थोड़ी देर पहले बताए थे आप लोगों को, सम का फिगर बनेगा. कुछ जो आपका बैट है वही आपका क्या है, बॉल है. ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा. ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखा ए फ्यू बॉल आर कैप. ए फ्यू का मतलब क्या, हम अभी बताए थे आप लोगों को, सम. ठीक है, तीसरा क्या है, इच कैप इज डॉग. इच का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है, आपका ऑल होता है. ठीक है, तो इच कैप डॉग. ठीक है, तो यहाँ क्या करो, यहाँ सिंपल में ए बी सी डी बिठा दो, ए बी सी और डी, मामला और आसान हो जाएगा मेरा. ठीक है, तो पहला वाला मेरा यहाँ पे क्या है, पहला वाला मेरा यहाँ पे कंक्लूजन दे रहा है क्या कि सम बैट आर नॉट बॉल. हम बताए थे क्या कि ओनली फ्यू बैट और बॉल में लगा हुआ है, कुछ ही बॉल बैट आपका बॉल है, कुछ ही बैट आपका बॉल है, तो कुछ बैट आपका बॉल नहीं भी है कन्फर्म. मतलब मेरे 100 में से 50 स्टूडेंट पी हैं तो 50 नहीं है कन्फर्म. ठीक है, तो ये पहला वाला सही हो गया. दूसरा क्या है कि सम बॉल आर नॉट बैट, सम बॉल आर नॉट बैट. मैंने बताया था कि बैट का कुछ ही हिस्सा केवल बॉल है, लेकिन बॉल से बैट के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन बैट से बॉल के बारे में बताया गया कि बैट का केवल कुछ ही हिस्सा जो है आपका वो बॉल है, लेकिन बॉल का कितना हिस्सा ये तो नहीं ना पता चला हमको. तो ये वाला दूसरा वाला मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. तीसरा वाला लिखा है कि ऑल बैट कैन बी बॉल, ऑल बैट जो है वो कैन बी बॉल. तो हम बताए थे आपका यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पास 50 स्टूडेंट्स मेरे पीओ हैं, तो 100 में 100 कैसे हो सकते हैं, सभी बैट बॉल कैसे हो सकता है, मेरे पास 50 स्टूडेंट ही पीओ है ना, ये 100 में 100 स्टूडेंट तो मेरा पीओ नहीं है, तो ये सभी बैट जो है वो बॉल कभी भी नहीं हो सकता है. ठीक है, फोर्थ वाला क्या है कि ऑल बैट कैन नेवर बी बॉल, ऑल बैट कैन नेवर बी बॉल. सही है कि सभी बैट कभी भी आपका बॉल नहीं हो सकता है, क्योंकि 100 में 100 स्टूडेंट्स मेरा पीओ नहीं हो सकता. हम पहले ही बता चुके कि 100 में मेरा 50 स्टूडेंट्स ही पीओ है, समझ रहे हैं ना, तो 100 में 100 नहीं होगा. तो ये चौथा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. फिर पांचवा वाला आपका क्या लिखा है कि ऑल बैट कैन बी बॉल, ऑल बैट क्या है, कैन बी बॉल, मतलब सभी बैट जो है उसके बॉल के होने की संभावना है, सभी बैट के बॉल होने की संभावना है. तो भैया बैट का कुछ ही पार्ट बॉल है ना, तो फिर सभी कैसे हो सकता है, तो ये वाला क्या हो गया. ये देखो एक दूसरे का रिवर्स है, एक दूसरे का क्या है आपका रिवर्स, ध्यान से देखना पता चलेगा. ठीक है, चलो फिर क्या है सिक्स नंबर आपका, ऑल बॉल कैन नेवर बी बैट, ऑल बॉल कैन नेवर बी बैट. अब देखो क्या है यहाँ पे, ऑल बॉल कैन नेवर बी बैट मतलब सभी बॉल कभी भी बैट नहीं हो सकते. ये आपका बताया गया कि सभी बॉल जो है वो कभी भी क्या हो सकते हैं, बैट नहीं हो सकते हैं. ये गलत है ना, क्योंकि मेरा 50 स्टूडेंट्स अगर ये पीओ है तो मेरा सारा पीओ मेरा 50 स्टूडेंट्स हो रहा है, तो ये सारा बॉल तो बैट में एडजस्ट हो ही सकता है, लेकिन ये बोल रहा है नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत. लेकिन सेवन नंबर क्या बोला कि ऑल बॉल कैन बी बैट, सभी बॉल जो है वो क्या है, बैट है आपका, तो सभी बॉल के बैट होने की संभावना, कैन लगा है ना, सकता सकती, तो मतलब सभी बॉल जो है वो बैट हो सकते हैं, ये सही है आपका. ठीक है, फिर देखो एक दूसरे का रिवर्स है, ये एक दूसरे का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है. ठीक है, चलिए अब सात, ये आठवां क्या है आपका कि ऑल डॉग कैन बी बैट, ऑल जो डॉग है वो क्या है, ऑल जो डॉग है वो क्या है, वो बैट हो सकता है. अब देखो एक चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे क्या जानना जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना यहाँ पे, कि अगर डाउट है ना प्लस पॉसिबिलिटी,
रहे तो ये हमेशा सही होता है। देखो कोई भी फिगर अगर डाउट में है उसमें अगर पॉसिबिलिटी लगा दिया तो हमेशा सही होगा। जैसे डाउट में है ना कि ये बैट और डॉग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर पॉसिबिलिटी हटा दिया जाए तो डाउट में, लेकिन अगर डाउट के साथ ये अगर पॉसिबिलिटी लगा दिया है तब मेरा 100% ये क्या हो सकता है आपका, सही हो सकता है ना, और सही होगा तो ये आठवां वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी मज़ेदार वीडियो बना मेरे हिसाब से, ठीक है, और ये आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में हर एक वो चीज़ नया पैटर्न का डाला है जो आप लोगों को चाहिए, जो आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ मिले कहाँ, तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ हमारे DR स्टडी पॉइंट में मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके, और आप लोग शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और जितना हो सके एकदम दबा के शेयर करो, या तो फिर फेसबुक अकाउंट पे शेयर करो या व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके पास जितने भी ग्रुप है उसमें आप लोग शेयर करो। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिलेटेड टू सिलोजिस्म के हिसाब से आपका रहेगा, ठीक है, और हम लोग का डेली सीरीज भी आ रहा है, तो डेली सीरीज वाले को भी क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए ये आप हम लोग को बताओ, और ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोग के हिसाब से आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से, तो आप लोग इसको क्या करो, बार बार देखो, दो बार तीन बार देखो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट क्या करो, मेंशन करो, हम लोग हर एक कमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से उसको समझते हैं कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं और उसका जवाब हम लोग देते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ DR स्टडी पॉइंट के साथ और मज़े कीजिए, ठीक है, थैंक यू।